गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज परवेज खान एंड दिस इज आइजर्ड स्टडी सर्किल इंग्लिश एक बार मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स पेश करने के लिए डियर uh, स्टूडेंट्स इस वीडियो में uh, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स वर्ड्स मीनिंग और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें ग्रामर वाला पोर्शन भी सॉल्व करना है तो मैंने वो भी पोर्शन सॉल्व करने की कोशिश की है तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखते हैं देखिए चैप्टर है आपका चैप्टर सिक्स द विलेज स्कूल ओके सबसे पहले हम ये तीन पॉइंट्स करते हैं वर्क इन पेयर्स इमेजिन यू आर गोइंग टू अ विलेज एंड विल बी टीचिंग इसको आप देख लीजिए इसमें क्या करना है तीन थ्री नेसेसरी जो जरूरी चीजें हैं क्लासरूम में वो लिखनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये देखिए मैंने आपके लिए लिख दी है ये फर्स्ट पे आप लिखिएगा देयर शुड बी अ टीचर इन अ क्लासरूम टीचर का होना क्लासरूम में बहुत जरूरी है अच्छा उसके बाद देयर शुड बी स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तब भी फिर किसको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स का होना भी जरूरी है तीसरा देयर शुड बी ब्लैक और वाइट बोर्ड इन अ क्लासरूम ठीक है ये आपका मैंने ये थ्री पॉइंट्स लिख दिए हैं तो इन थ्री पॉइंट्स को फिलअप कर लीजिएगा आप ये जो थ्री पॉइंट्स हैं उसके बाद हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं ये देखिए वर्ड्स मीनिंग यहां लिखे हैं मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इनको अलग से लिखा है देखिए इसमें जैसे फर्स्ट वाला है चेंज द फेस ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड नक्शा बदल दिया ओके दूसरा है टुक एजुकेशन सीरियसली फोकस्ड ऑन एजुकेशन शिक्षा को फोकस किया इसी तरह से बस्ती रेसिडेंशियल एरिया रेजिडेंशियल एरिया रहने की जगह ठीक है ये मैंने आपके लिए पूरे तैयार कर दिए हैं देखिए ये टोटल वर्ड्स मीनिंग्स हैं और मैंने इनको हिंदी में भी लिख दिया है इसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे देखिए डियर स्टूडेंट्स पहले ये रीडिंग रीडिंग पोर्शन के सारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन आप यहां से कॉपी कर लीजिएगा ठीक है देर आर फाइव क्वेश्चन और इसके बाद ये वाले क्वेश्चन हैं ठीक है फिर ये सी वाला क्वेश्चन है फिर डी वाला भी मैंने क्वेश्चन कराया है और ई e वाले को स्किप किया है फिर ये ग्रामर वाला पोर्शन भी मैंने कराया है इस वीडियो के अंदर और ये ग्रामर वाले पोर्शन में ए वाला बी वाला फिर ये वोकेबलरी वाला पोर्शन भी मैंने इसमें इस वीडियो में कराया है ठीक है ये यहां तक कंप्लीट मैंने कराया है चलिए आइए देखते हैं आइए डियर स्टूडेंट्स देखिए पहला क्वेश्चन है रीडिंग पोर्शन का आंसर वन द थ्री गर्ल्स तबस्सुम तरन्नुम एंड रुबीना स्टार्टेड द स्कूल फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स इन सजोई वाराणसी हु आई द ड्रॉपड आउट द स्कूल और नेवर वेंट टू स्कूल ओके ये पहला क्वेश्चन है और इसके बाद यह दूसरा क्वेश्चन है द बिगेस्ट चैलेंज द फेस्ड फेस्ड वॉज टू गेट द विलेज टू एक्सेप्ट द स्कूल एंड टू लेट द गर्ल्स अटेंड द स्कूल ये दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है रीडिंग पोर्शन का आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं द गर्ल्स स्टार्टेड अ स्मॉल टेलरिंग सेंटर एट द स्कूल सो दैट द गर्ल्स कुड लर्न टू सी वाइल दे दे ऑल्सो स्टार्टेड एजुकेटिंग द गर्ल्स दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन और ये पांचवा क्वेश्चन है आप बिल्कुल सीक्वेंस और सी आ, के साथ अगला देखिए बी का फर्स्ट का ए द थ्री गर्ल्स आर तरम तरन्नुम तबस्सुम एंड तबसना बी का ए का फर्स्ट ए आ, बी जो ए पुर, ए पार्ट है उसका ए और ये बी द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल विलेज सजोई वाराणसी ये सी पार्ट सी वाला

करने की कोशिश कर रहा हूं यह बी पार्ट है ये सी पार्ट है अब ये आंसर इन डिटेल आंसर इन डिटेल सी का वन बहुत शॉर्ट करके मैंने आपके सामने इसको दिया है द पीपल ऑफ द विलेज इनिशियली वर एंग्री विद द थ्री गर्ल्स देखिए ये दूसरा वाला है द डिटर्मिनेशन एंड रिसायलेंस ऑफ द थ्री गर्ल्स इज इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर एवरी वन थिंक एंड आंसर डी वाला पोर्शन अब ये ग्रामर वाला देखिए मैच द क्लॉज इज इन एंड बी टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंसेस ये मैंने कंप्लीट कर दिया है वन का सी टू का एफ थ्री का डी फोर का ई e, फाइव का बी सिक्स का ए बी वाला पार्ट है टू में वाज़ फाउंड वुड वाज़ वुड वुड हैड वुड ये अपनी विश के ऊपर है अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं वो ये फ्रेजल वर्ब्स है डियर स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है कि मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे स्टेप आउट स्टेप आउट का मतलब क्या हुआ लीव अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम शो अप अराइव वेयर एक्सपेक्टेड गिव अप एडमिट डिफीट ठीक है ओके बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स थैंक्स इसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा आप उसको भी देखिएगा इनशाला वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी ओके अल्लाह हाफिज गुड बाय